हेलो एवरीवन, टुडे वी विल टेक यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशंस के कहाँ कहाँ यूज होते हैं, मेन तीन होते हैं उसमें। फर्स्ट आज हम लोग एग्जांपल से समझेंगे विच इज नोन एज अवर कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम यूनिट विद इनटू अनदर। अब देखिए, हम ये जानते हैं कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। अब इसमें डायमेंशन रखेंगे तो ए बी सी जो डायमेंशन है आपकी लेंथ मास और टाइम की, तो m1 l1 t1 एक सिस्टम में हो गई और दूसरे में हो गई m2 l2 और t2। लेकिन ये याद रखिए ए बी सी वही रहेगी, तो n2 इज इक्वल टू n1। अब m1 और m2 एक साथ ले लिया जिनकी पावर सेम है, m1 upon m2 power a, l1 upon l2 power b, एंड t1 upon t2 power c। अब इस चीज़ को एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे कन्वर्ट वन न्यूटन इनटू डाइन, ध्यान दीजिएगा इसको बहुत तरीके करने के, लेकिन हम डायमेंशन से करेंगे। अब नाउ वन न्यूटन और डाइन ये किसकी यूनिट है, फोर्स की है। तो सबसे पहले हम फोर्स की डायमेंशन लिखेंगे m1 l1 t की पावर -2। अब यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हुई, 1 हुई, बी की वैल्यू 1 हुई और सी की वैल्यू -2 हो गई। अब हमें जिस सिस्टम में दिया हुआ है वो है हमारा m1 l1 और t1। तो m1 की वैल्यू क्या है, 1 kg है, l1 की 1 meter है, t1 की 1 second है। और जिसमें कन्वर्ट करना है cgs सिस्टम में, तो हमारी m1 हो गई 1 gram, l2 हो गई 1 centimeter एंड t2 हो गई 1 second। अब इन सब चीज़ों को ऊपर वाले इस फार्मूले में जो ग्रीन कलर से लिखा है इसमें रखेंगे तो हमारा n2 इज़ इक्वल टू हमारा आएगा 1, n1 1 है, 1 न्यूटन का मतलब 1, और यहाँ पे 1 kg upon kg, 1 meter upon centimeter एंड 1 second upon second की पावर -2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, kg को ग्राम में चेंज करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में, तो n2 इज़ इक्वल टू 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, दैट इज़ द 10 की पावर 5। तो 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू 10 की पावर 5। सो इट इज़ द आंसर ऑफ व्हेन वी विल कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। सिमिलरली नाउ यू कैन कन्वर्ट 1 जूल इनटू आर्क्स। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जूल किसकी यूनिट है, आर्क किसकी है, वर्क या एनर्जी की, तो उसकी डायमेंशन लेके हम इसी प्रोसेस से करेंगे। आई होप सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन, यू मस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल ट्राई वन मोर क्वेश्चन। कन्वर्ट ए वेलोसिटी 72 km/h इनटू m/s। किलोमीटर पर आर में दी हुई है हमें, जिस सिस्टम में हमको कन्वर्ट करना है, सही सिस्टम के हम के सिस्टम में मीटर पर सेकेंड में किसकी करनी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की करनी है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट का डायमेंशन जो होती है वो होती है m0 l^1 t^-1। अब यही फार्मूला फिर से लेंगे, n2 इज़ इक्वल टू n1 m1 upon m2 की पावर a l1 upon l2 की पावर b एंड t1 upon t2 की पावर c। अब वेलोसिटी यहाँ से a है हमारा 0, b है 1 और c^-1। अब जिस सिस्टम में दिया है वो है हमारा m1 l1 t1, और m2 की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो l1 है 1 km एंड t1 is 1 hr। L2 जिसमें कन्वर्ट करना है दैट इज़ द 1 meter एंड t2 is 1 second। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो इसकी पावर जो टाइम वाली थी वो -1 में थी, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/3600 और ये 72 × 1000, तो हमारी वैल्यू जो आएगी 20 m/s। इसका मतलब 72 km/h इज इक्वल टू द 20 m/s। ये मैथड, इसको हमने डायमेंशन मैथड से सॉल्व किया है, और 11th क्लास में आपको अंडरस्टूड होता है कि डायमेंशन मेथड से ही आप इसको सॉल्व करें, तो इसलिए ये मेथड आना बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके के क्वेश्चंस फिर आगे चल के न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए। सो नेक्स्ट पार्ट वी विल टेक मोर न्यूमेरिकल। नाउ दिस टाइम थैंक यू।